दूसरी जानिब आटे और घी के नरखों में तेज़ी रुक गई। आटे के बाद घी के नरखों में भी मामूली कमी। मार्केट में दर्जे अव्वल खुर्दनी तेल की कीमत 610 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। दर्जे अव्वल घी 600 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब। चंद रोज़ में आटा 10 रुपये फ़ी किलो सस्ता हुआ। 10 किलो आटे का थैला 1150 से 1200 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। मज़ीद जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद जी, बिल्कुल, खुली मार्केट में गंदम के नर्ख कम होने की वजह से आटे के नर्ख में भी जो तेज़ी देखी जा रही थी वो अब कुछ रुकी हुई नज़र आ रही है और गुज़श्ता चंद रोज़ से आटे की कीमत में इस्तेहकाम देखा जा रहा है। मार्केट में इस वक्त 10 किलो आटे का थैला तकरीबन 1150 से 1200 रुपए तक फरोख्त हो रहा है, जबकि 20 किलो आटे का थैला 2300 से 2350 रुपए तक बेचा जा रहा है। इसी तरह जो खुला सुर्ख आटा है वो तकरीबन 130 रुपए और सफ़ेद फाइन आटा जो है वो तकरीबन 160 रुपए फ़ी किलो तक इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है। और इसी तरह चक्की का आटा भी 160 रुपए फ़ी किलो इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है, जिसकी कीमत पहले 170 रुपए थी और उसमें 10 रुपए फ़ी किलो कमी हुई है चंद रोज़ पहले तक। इसी तरह घी की कीमत में भी कुछ कमी देखी गई है। गुज़श्ता दिनों आलमी मार्केट में पाम ऑयल की कीमतें कम होने की वजह से मुकामी मार्केट में घी की कीमत कम देखी गई है। इस वक्त दर्जा अव्वल घी जो है वो तकरीबन 600 रुपए फ़ी किलो और खुर्दनी तेल तकरीबन 610 रुपए फ़ी लीटर दस्तयाब है, जबकि दर्जा दोम 560 और 570 रुपए तक बेचा जा रहा है। तमाम चीनी की सूरत हाल इसके बरक्स है। चीनी की कीमत बदस्तूर 120 से 125 रुपए फ़ी किलो इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है और इसमें कमी होती हुई नज़र नहीं आ रही, गोके हुकूमती नर्ख जो मुकर्रर किया गया था वफाकी हुकूमत की जानब से वो 98 रुपए 82 पैसे मुकर्रर किया गया था, लेकिन चीनी की कीमत जायद पर फरोख्त बदस्तूर मार्केट में जारी है और उसमें कमी होती हुई नहीं देखी जा रही, लेकिन आटे और घी की कीमतों में गुज़श्ता चंद रोज़ में कुछ कमी देखी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहिब।